कंप्लीट। अबे नोसफेराटू आ गया, अबे नोसफेराटू आ गया, अबे यार ये नोसफेराटू कहाँ से आ गया, मेरे को छुपना पड़ेगा यार। अबे यार ये मेरे को देखना ले सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी फोर, और आज हम इसमें करने वाले हैं बेसमेंट एस्केप। एंड तो चलो देखते हैं कि क्या होता है, कि हम बेसमेंट एस्केप कर पाते हैं कि नहीं। और इसमें सिर्फ ग्रैनी और ग्रैंडपा ही नहीं, इसमें इसकी बेटी सिंड्रेला एंड उसका दामाद नोसफेराटू ऐसी कुछ है उसका नाम, वो है चारों। एंड इन चारों से बच के मेरे को निकलना यहाँ से बाहर। बेसमेंट एस्केप करने वाली हूँ आज मैं, और इसके बाद मैं करूँगी कार एस्केप। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं देख लेती हूँ पहले अंदर इसमें ड्रॉर्स में, पहले सारे अंदर के कमरे छान लेती हूँ मैं, फिर जाके जाऊँगी मैं बाहर। तो मैं यहाँ भी देख लेती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक बुक पड़ी हुई है, वो मेरे को अभी फ़िलहाल चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने एक बार ही खेला था तो वो गेट खोल दिया मैंने, तो वो गेट हमेशा खुला ही रहेगा, मतलब ऊपर वाला गेट जो बुक से खुलता है वो हमेशा खुला ही रहेगा, आप कितनी बार भी खेलो तुम। तो मैं ये चाबी यहाँ पर फेंक देती हूँ, क्योंकि ग्रैनी और उसका दामाद दोनों आएंगे यहाँ को, एंड मैं यहाँ से भाग निकलूँगी। इसमें सिंड्रेला भी बहुत खुखार हो जाती है, एंड उसको वो जहाँ मेरे को दिख जाएगी ना, वो अपनी तरफ खींचने लगती है मेरे को बहुत तेज़ी से। उसमें तो इतना नहीं करती वो, मतलब ग्रैनी 2-3 में, 4 में बहुत ज़्यादा करती है। एंड ये दोनों आ चुके हैं, एक बार और फेंकती हूँ, ग्रैनी चली ना जाए कहीं। चलो भैया ये दोनों तो आ चुके हैं यहाँ पे, एंड मैं यहाँ से भागती हूँ फटाक से ऊपर। मेरे को ऊपर जाना है, पहले ऊपर का काम निपटा देती हूँ, फिर जाके आऊँगी नीचे में, फिर देखती हूँ कि क्या होता है। मेरे को ना इसमें बहुत सामान चाहिए, तो मेरे को ना वो ऊपर या नीचे कहीं, मतलब सारी जगह छान माननी है मेरे को, जल्दी मिल जाए यार बस, क्योंकि ना मैं जल्द से जल्द इसको कम्प्लीट करना चाहती हूँ। एंड डे 1 पे ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी मैं इसको। एंड आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है मेरे चैनल को, क्योंकि अपना प्यार दिखाइए हमको भी। एंड चलो देखते हैं भैया, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक बारी मैं इधर को देख लेती हूँ, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, चाबी यहीं फेंक के चलती हूँ मैं। ये मैंने चाबी फेंकी, एंड ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ऊपर को आएंगे ना, सॉरी ग्रैंडपा बोल रही हूँ मैं, ग्रैनी एंड उसका दामाद आएंगे ऊपर को। नोसफेराटू पता नहीं क्या है उसका नाम, अजीब सा, एक बॉक्स यहाँ पे भी है, मतलब एक यहाँ पे भी है, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाती हूँ सीधे, क्योंकि ग्रैनी एंड उसका दामाद जो है वो वहाँ साउंड सुन के आ गए होंगे, तब तक मैं नीचे निकल लेती हूँ। भैया कूद के ना पैर टूट गए मेरे, यहाँ जितनी बारी भी मैं कूदूंगी ना नीचे पैर टूट जाएंगे मेरे। इसमें क्या है, अबे इसमें मिल गया हैंडल, एंड चलती हूँ मैं इधर को, यहाँ भी देख लेती हूँ फटाक से, यहाँ भी है। अच्छा ये वो है जिसमें गन पड़ी रहती है ना पिंड अप की, यहाँ भी देख लेती हूँ। अबे यही तो चाहिए था मेरे को, ये तो बेसमेंट में ही लगता है। तो पहले सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, गन लेके आती हूँ, ग्रैनी एंड वो इधर को आएंगे। अब मैं यहाँ पर साउंड कर दिया है, नोसफेराटू यहाँ को आएंगे, ग्रैनी एंड नोसफेराटू, तो मैं सीधे जाऊँगी ऊपर एंड वहाँ से लेके आऊँगी गन। अबे ये तो इतनी जल्दी आ गए यार, ये कहाँ पे थे दोनों, इन्होंने मुझे लगता है पहले इन्होंने ना साउंड सुन लिया होगा, जब मैं नीचे कूदी थी ना तब साउंड हुआ था, तो ये दोनों पहले आ चुके होंगे, मुझे लगा नहीं आए होंगे। बट मैं फटाक से जल्दी एंड गन लेती हूँ यहाँ से, एंड इनको भूनती हूँ पहले गन से, तब पता चलेगा इनको, एंड फटाफट मैं अपना काम कर लूँगी, फिर जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ इस गेम को, एंड करके भी रहूँगी मैं, डे 1 पे ही कंप्लीट करूँगी, देख लेना ये। चलो भैया हम लेके चलते हैं गन, पहले इन ड्रॉर्स में भी देख लेती हूँ, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है भैया कुछ, मेरे को कहाँ मिलेगा कुछ, यहाँ ऊपर कुछ है ही नहीं यहाँ। ग्रैनी वेयर आर यू ग्रैनी, अबे ग्रैनी किधर मर गई, उसको लेके आ जल्दी अपने दामाद को। अबे अबे आवाज़ आ रही है, अबे ये रहे ये रहे ये रहे है, अबे मरा क्यों नहीं ये, अबे यार एक बुलेट मेरी, मतलब एक एमओ मेरी मिस हो गई है, एंड मैं फटाक से चलती हूँ वहाँ से, दूसरी बारी लोड करके लाती हूँ अपनी गन को, एंड ग्रैनी को भूनती हूँ यहाँ पे, फिर जल्दी 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 ग्रैनी भाग जाएगी, नहीं तो नीचे मेरे को बताया वो ऊपर तो नहीं आएगी, यहाँ को नहीं आएगी वो,
जल्दी फुल कर लेती हूँ मैं, दोनों एमओ भर लेती हूँ यहाँ पे। इसमें ये अच्छा है कि इसमें ना एमओ ख़त्म ही नहीं होती, तुम कितनी भी ले लो। ग्रैनी थ्री में क्या था, एमओ ख़त्म हो जाती थी, मतलब हर जगह नहीं मिलती थी, मिलती थी तो बहुत कम जगह मिलती थी। किधर मर गई ग्रैनी, दिखी ना रही, मुझे लगता है वो चली गई, मैंने बोला ना वो चली जाएगी क्योंकि इतनी दूर आती नहीं है। ये नॉस्फेराटू यहीं पे सोया हुआ है अभी भी, मेरे को जाना पड़ेगा नीचे। वैसे इसमें सिंड्रेला इतनी जल्दी आती नहीं है, और जब भी आती है ना वो इतनी खुकार बन के आती है ना, भाई साहब। ग्रैनी दिख नहीं रही यार इधर, मैं ड्रॉर चेक कर लेती हूँ तब तक, कहीं धप्पा आ रहा कर दे पीछे से आके, मुझे डर लगता है कभी। चलो मैं बाहर देख लेती हूँ एक बारी, यहाँ पे भी ना कुछ चीज़ें पड़ी रहती है। वैसे यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है यार भैया, बाहर भी रखे रहते ना कभी स्क्रू ड्राइवर, कभी हैमर वगैरह, ये बाहर भी रखे रहते हैं। तो मुझे लगता है इस बारी ना इन्होंने बाहर कुछ नहीं रखा, मुझे पता नहीं चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। तो मैं फटाक से वापस चलती हूँ। अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं है, मेरे को ना वो डायमंड मिला था वहाँ पे, मैं भूल गई थी, मैं इनको मारने के चक्कर में काम करना भूल गई यार। मैं अभी क्या है यार, वो डायमंड लेके मैं फटाक से चल दूँ, ऐसा कैसे होगा गेम कंप्लीट यार। अभी तक तो हो जाना चाहिए था, मतलब कंप्लीट ही हो जाना चाहिए था, मगर आधा तब भी हो जाना चाहिए था। अबे तू आधा भैया, तेरे को उड़ाऊँ मैं पहले, ये ले, पैरों पे आके गिरा सीधे, ऐसी चाहिए तुमको। ग्रैनी किधर मर गई वो, ओ भैया ग्रैनी मेरे को इधर को जाना है, मेरे को डायमंड लेके भागना है। ग्रैनी पता नहीं धप्पा ना कर दे कहीं से आके। ग्रैनी किधर मर गई यार, राजा मरने के लिए। नॉस्फेराटू, नॉस्फेराटू भी पता नहीं किधर मर गया, दिख ही ना रहा। भैया इनके चक्कर में लगी रहूँगी तो मेरा काम ही पूरा नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, डायमंड लेके चलती हूँ, उसको यहीं फेंकती हूँ। मेरे को वैसे भी बेसमेंट में जाना है तो मैं यहीं से चलती हूँ बेसमेंट में सीधे, और वहाँ पे ना दो डोर्स होते हैं, शायद वहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि ना मैंने ऊपर के दोनों फ्लोर चेक कर लिए, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब मुझे लगता है बेसमेंट में ही कुछ मिलेगा पक्का, 100% मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी रहता है कुछ ना कुछ। तो मैं फटाक से जाके इसको लगा देती हूँ यहाँ पे वो डायमंड को, एंड ये डोर खुल चुका है। वो दोनों ना आ जाए कहीं मेरे को पकड़ने, उससे पहले कि मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि क्या है यहाँ पे। अबे यार कुछ नहीं है यार यहाँ पे भी। तो मैं फटाक से चलती हूँ ऊपर, यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सी की लगेगी, बेसमेंट की लगती है यार। अबे मैं भूल गई थी, मेरे को लगा पेड़ लॉक की लगती है, मैंने एक बारी खेला था ये पिछली बारी, मैं भूल गई तब से। एंड मैं फटाक से चलती हूँ, मैं वो वाली की लेके आती हूँ, ओल्ड की है ना जो, उसको लेके आती हूँ मैं। शायद उससे ये वाला गेट खुलेगा तो इसमें मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा शायद। कुछ नहीं भी मिला ना, मेरे को गन जरूर मिलेगी, मेरे को इतना पता है, क्योंकि गन एक ऊपर रहती है, ऊपर है नहीं तो वहीं मिलेगी वो मेरे को। एंड उससे मैं दूसरी की लेके जाऊंगी यहाँ पे, यहाँ पे हैंडल तो है बट मेरे को अभी चाहिए नहीं हैंडल जब तक कि सारे डोर्स ओपन नहीं होते। ओल्ड की मैंने कहाँ पे रखी, मेरे को ढंग से याद ही नहीं आ रहा यार, कहाँ पे रखी थी मैंने ओल्ड की। अरे मैं इतनी मतलब ये सब करने में कहाँ पे गुम होगी। नहीं 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 याद आ गया, याद आ गया, मैंने वो ऊपर रखा था, तो मैं ऊपर वो लोग होंगे तो मैं एक काम करती हूँ ना, पहले इधर को चलती हूँ, यहाँ से गन लेती हूँ, इसको इसकी साउंड करती हूँ, मतलब यहाँ पे साउंड करती हूँ, वो लोग यहाँ पे आएंगे ना तो फिर मैं वहाँ को चली जाऊँगी। ग्रैनी एंड क्या है नॉस्फेराटो किधर मर गए दोनों, वहाँ को आएंगे सामने दिखेंगे वो मेरे को, तो मैं यहीं पे बैठ रहती हूँ, कहीं पीछे से ना आ जाए, मेरे को डर लग रहा है। अबे नॉस्फेराटो जा रहा है, ग्रैनी भी जा रही है, चलो भैया। ग्रैंडपा मुझे नहीं पता इधर नहीं होगा वो, क्योंकि इसमें ग्रैंडपा ना बहुत कम दिखाई दे रहा है वैसे। अबे सिंड्रेला सिंड्रेला सिंड्रेला, अबे यार ये सिंड्रेला ना कभी मेरे को मार डालेगी देख लेना, मैं मरूंगी तो सिंड्रेला की वजह से ही, मेरे को जितना पता है, क्योंकि ये सिंड्रेला ना बहुत परेशान करती है यार, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो मेरे को ना ओल्ड की लेनी है वहाँ से, एंड वहीं से कूद जाऊँगी मैं, एक पैर तो टूट ही गया है मेरा, ढंग से टूट जाए तो मेरे को की तो चाहिए ही, वैसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता पैर टूटे या कुछ भी हो। बट किधर फेंकी थी मैंने, यहाँ पे फेंकी थी ना, ये रही। जो इसमें क्या होता है ना, तुम कोई भी गेम खेलो, एक बात बताती हूँ मैं तुमको, जो चीज़ें तुम्हें मिल रही है ना उन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ना तुम अगर उनका यूज़ नहीं करोगे तुमको बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी फिर।
चलो मैंने साउंड तो कर दिया है यहाँ पे, एंड ग्रैनी एंड वो नोसफेराटो, मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, वो लोग ऊपर आएंगे तब तक मैं नीचे भाग चलती हूँ। यहाँ पे ग्रैंडपा तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा, कभी कभी दिखाई दे रहा है वो, वैसे भी वो पता नहीं कहाँ फेंक दिया उसको इन दोनों ने, ये दोनों साथ ही चल रहे हैं, मतलब कुछ तो चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। वो देखो दोनों साथ बजा रहे हैं, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, मैं मतलब ग्रैंड कहाँ को जा रहे हैं दोनों पता नहीं। अबे यार मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, मैं कुछ भी, मैं कहीं भी जा रही हूँ, मेरे को जाना है बेसमेंट में यार, मेरे को वहीं से जाना चाहिए था क्या यार, मैं भी पागल हो गई हूँ यार। सीट बेसमेंट, बेसमेंट में गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि किसी को शक ना हो मेरे पे कि मैं नीचे गई हूँ, दिमाग। तो मैं फटाख से चलती हूँ, मेरे को गन लेके जानी है वहाँ से, बस गन मिल जाए यार मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में भैया, गन मिल जाए, गन के नीचे बेसमेंट की मिल जाए। वहाँ पे कभी कभी ना पैडलॉक की होती है, कभी बेसमेंट की होती है। यहाँ पे साउंड हो चुका है एंड ग्रैनी एंड उसका दामाद आने वाला होगा, मतलब आने वाले होंगे दोनों, तब तक कि मैं फरार हो जाती हूँ यहाँ से, ना मिले यार वो मेरे को बीच में, निकलना है मेरे को फटाफट से, मेरे को ऊपर जाना है यार, कैसे भी सिंड्रेला ना आ जाए यहाँ पे, सिंड्रेला भी आती है ना कभी भी गेट खोलने पे, अब नहीं आई नहीं आई नहीं आई, तो मेरे को यहाँ से चलना है सीधे ऊपर। यहाँ पे ग्रैंड फादर बोल रही थी मैं, कुछ भी यार दिमाग ही मतलब रहता ही नहीं है ध्यान, बस एक काम कर रही हूँ ना बस वही रहता है। मैंने नीचे साउंड तो कर दिया था, दोनों आए नहीं हैं अभी, कहाँ मर गए दोनों, ये आ गई, ये आ गई, आ गई, आ गई, ग्रैनी आ गई है, नोसफेराटो भी आ चुका है, वो ग्रैनी के ही पीछे रहता है वैसे भी, एंड अब ये ग्रैंडफादर ना, ग्रैंडपा यार, ग्रैंडफादर बोल रही हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं है मतलब यार, ग्रैंडफादर। अभी देखना है इसको, ये पीछे देख के चल रहा है, सारे दीवार पे पटक जाएगा, नहीं चल रहे आगे को। चलो मैं फटाक से ऊपर चलती हूँ एंड इस गन का यूज़ करती हूँ, मेरे को वहाँ से बस बेसमेंट की मिल जाए यार, ये फिर तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ना हैंडल भी है मेरे पास, बेसमेंट की चाहिए मेरे को, बस अपना काम ख़त्म। यहाँ पे मारती हूँ, हो चुका है, यहाँ पे क्या है, अबे यस बेसमेंट की मिल चुकी है फाइनली, एंड मैं खुशी खुशी यहाँ से निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साउंड हो चुका है, ग्रैनी एंड नोसफेराटो यहाँ पे आते ही होंगे। अभी कहाँ को जा रही हूँ मैं, ये वाला है वो रास्ता, यहाँ पे साउंड कर देती हूँ मैं, क्योंकि ग्रैनी और नोसफेराटो यहाँ पे आ जाएंगे, नोसफेराटो, एंड मैं बेसमेंट की लेगी यहाँ से कूद जाऊँगी नीचे, यहाँ से कूद जाती हूँ मैं नीचे, क्योंकि ना रास्ते से जाना तो मतलब खतरे से खाली नहीं है। मैंने डे वन पे ही यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ मैं, तो डे वन पे ही मेरे को कंप्लीट भी करना है ये, तो मैं यहाँ से कूदती हूँ, ग्रैंडपा नहीं होगा अभी नीचे, तो मैं एक काम करती हूँ ना, इसको मैं चाबी लेके चलती हूँ पहले, इसको ना आधे रास्ते में फेंक के आती हूँ, फिर लेके आऊँगी हैंडल में, यहाँ पे फेंक देती हूँ इसको मैं, एंड मैं हैंडल लेके आती हूँ, तब तक की साउंड तो हो चुका है वैसे भी, हैंडल लेके मैं यहाँ पे जाऊँगी एंड गेट बंद कर दूँगी तुरंत उनके आने से पहले, क्योंकि वो दोनों ना अभी ऊपर गए होंगे, अभी इतनी जल्दी आएंगे वो नीचे, तो हैंडल भी मिल चुका है मेरे को। मैं फटाक से चलती हूँ यहाँ से बेसमेंट में, पहले मैं की लेके चलती हूँ, फिर इसको लेने आऊँगी, मतलब मेरे को की पहले लगानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं ये हैंडल लगाऊँगी, क्योंकि नीचे साउंड हो जाएगा ना, वो दोनों भग भग के आएंगे, यहाँ पे साउंड होगा तो यहीं तक आएंगे शायद वो। बेसमेंट की लेके मैं फटाक से चलती हूँ नीचे एंड वहाँ पे गेट को ओपन कर देती हूँ, वो दोनों ना आ जाए बीच में बस। यहाँ पे ये खुल चुका है गेट, यस, एंड मेरे को बस अब चाहिए यहाँ पे हैंडल, एंड हैंडल लेके मैं निकल जाऊँगी यहाँ से बाहर की तरफ, तो ये मेरा गेम होने वाला है कंप्लीट, एंड मैंने किया है ये गेम डे वन पे ही कंप्लीट। अबे नोसफेराटो आ गया, अबे यार ये नोसफेराटो कहाँ से आ गया, मेरे को छुपना पड़ेगा यार, अबे यार ये मेरे को देखना ले, मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पे छुप जाती हूँ, ये पिलर है ना इसके पीछे से,
एंड वो अंदर भी आ जाएगा ना, तब भी मेरे को देखेगा नहीं यहाँ पे। एंड अगर आ गया तो पिलर से घूम के चली जाऊँगी मैं। वैसे वो आया नहीं शायद नीचे, तो मैं चलती हूँ सीधा ऊपर, कोई की को भी ऊपर ही लेके चलती हूँ, क्योंकि बेकार में यहाँ पे साउंड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे साउंड हो गया ना, वो नॉसफेराटो फिर से आ जाएगा। नॉस मारे तेरा, वो फिर से आ जाएगा। नॉस मारो, उसका नाम नॉसफेराटो नहीं नॉस मारो होना चाहिए था। यहाँ पे मैं हैंडल पकड़ती हूँ, यहीं पे फेंक के जाऊँगी की भी ना, वो यहीं तक आएगा। अब यहाँ से नीचे नहीं आ सकता वो, फिर आ तो सकता है मगर आएगा नहीं, वो मेरे को पता है। बट उससे पहले हम स्केप कर जाते हैं यहाँ से, उसके आने से पहले, तो हमको कोई डर नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे चैनल को। एंड इसके बाद मैं लेके आऊँगी कार स्केप की वीडियो, फिर मिलके हम खेलेंगे कार स्केप। एंड मैं यहाँ से चढ़ती हूँ, एंड फाइनली मैंने स्केप कर लिया है। एंड तुम बेटा चारों देखते रहो, अब चारों को भी मैंने मात दे दिया। एंड डे वन पे ही कंप्लीट कर दिया है। यस, मेरा मिशन हो चुका है कंप्लीट, द एंड।